हम पहुँच चुके हैं मार्कंडेय महादेव मंदिर, और जिसके अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और आपको पता है हम पांडेपुर से चले थे, अराउंड पार कर दिया है और पहुँच चुके हैं इस तरह। ये अद्भुत मंदिर देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ से तो इसका व्यू नेक्स्ट लेवल ही दिखता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही खतरनाक है। जर्नी स्टार्ट हो गई है, अभी हम जा रहे हैं मार्कंडेय महादेव मंदिर, जो है यहाँ से 28 किलोमीटर दूर रहते हैं पांडेपुर। जैसे कि आप देख सकते हो उजाला में चले चले अंधेरा हो गया, और अंधेरा हो गया, धीरे धीरे रात हो रही है, लेकिन रात में दर्शन करने के मजे हो कहीं और नहीं है। रात में लोग ज़्यादा भीड़ नहीं रहती वहाँ पर, इसलिए हम रात के टाइम जा रहे हैं। मार्कंडेय महादेव मंदिर, तो ये है एंट्री। यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइन लगी है, लोग बाहर हैं। अभी शाम के बज गए हैं 7:30, हम लोग चले थे वहाँ से 6 बजे। यहाँ पे आने में बहुत टाइम लग गया, 1.5 घंटे के आसपास, तो बीच में हम रुके भी थे तो उसकी वजह से। और ये इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ से आप अंदर दर्शन करने के लिए कुछ माला और ये सब चीज़ें ले सकते हो। और अभी हम चलेंगे मतलब मार्कंडेय महादेव मंदिर हमारे पीछे ही है, और अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू सबसे पहले। और ये देखो, सुविल को जानते हो आप, हमारे मेन अभी यूट्यूबर, यही अगले यूट्यूबर आने वाले, यही इनका भी चैनल आने वाला कुछ दिनों में। पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट मार्कंडेय महादेव मंदिर, और ये इस तरह से दुकानें लगी हैं यहाँ पर। बाबा लोग भी बहुत सारे हैं अंदर देख सकते हैं, मार्कंडेय महादेव मंदिर। तो कैमरा तो अंदर ले जाना अलाउ नहीं, तो हम यहीं तक हैं। यहाँ से आगे आपको मिलते हैं जब दर्शन करके आते हैं, और इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो गाइस एक बार दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। मार्कंडेय महादेव मंदिर, और इसके अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपको पता है हम पांडेपुर से चले थे अराउंड 6 o'clock के आसपास, और यहाँ पहुँच गए 6:45 के आसपास पहुँच गए, तो हमें लगे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। तो हम लोग ऑटो पर गए थे, तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे हमेशा एक बस भी चलती थी और सस्ते में, लेकिन अब आप जब भी आओगे तो शाम के टाइम आ गया, तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने अंदर दर्शन कर दिए हैं, और बहुत ही अच्छा दर्शन करके आए हैं। बिल्कुल एकदम दिल को सुकून मिल गया पूरा। और तिवारी जी बताएंगे कैसा लगा अंदर जाके। परमानंद की प्राप्ति यहाँ पर ही है, सुख शांति, और दिल को एक सुकून सा मिलता है यहाँ। चलो अभी हम चलते हैं बाहर। गए हमने 10 मिनट अंदर दर्शन कर दिए, दर्शन करने के बाद अभी हम चलते हैं घर की ओर। सबसे पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ पे खाने पीने का भी है, कुछ सोचते कुछ खा लेते हैं फिर चलते। मार्कंडेय महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, और अब हम जाएंगे सर्ववेद मंदिर, जो कि आपको दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे हैं सर्ववेद मंदिर। आपको दिखाते हैं सर्ववेद मंदिर, और ये क्लोज हो जाता है 8 से 8 खुलते हैं। सर्ववेद मंदिर पहुंच चुके हैं, और 8:30-7:30 का टाइम है, 7:30 का टाइम है, और ये 8 बजे क्लोज हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, तो हम जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं, पहले दर्शन करते फिर आपको मंदिर के नज़ारे दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंदिर है सर्ववेद मंदिर। तो और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे पानी भरा जाएगा पूरा, और ये जो इलाका है यहाँ पे आपको दिखेगा पानी कुछ टाइम बाद। तो ये बहुत विशाल मंदिर होने वाला है, अभी तो कंस्ट्रक्शन चले, लेकिन मंदिर बन के एकदम रेडी है। बाहर का जिसका कंस्ट्रक्शन का काम है, अंदर आ चुके हैं बिल्कुल मंदिर के परिसरन में, और ये मंदिर का मतलब गेट है, सामने देख सकते हो आप, ये गेट है। और 15 साल की मेहनत के बाद ये मंदिर रेडी हुआ, इसको बनने में 15 साल लगे। तो अभी चलते हैं एंट्री गेट से अंदर। पार कर दिया है और पहुंच चुके हैं इस तरह से। ये अद्भुत मंदिर देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ से तो इसका व्यू नेक्स्ट लेवल ही दिखता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही खतरनाक व्यू, बहुत मस्त है। और हमारे पास ऑलमोस्ट 25 मिनट्स बचे, 8 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है, और उससे पहले आपको ये नज़ारा दिखा देता हूँ। मतलब अभी पूरी तरह से रेडी देख सकते हैं यहाँ पे, और ये इस तरह से आंगन है, इस तरह से गेट है, आप देख सकते हैं।
चल रही है, आधा मंदिर बनना बाकी है। तो ये बाहर का अंदर में कुछ इस तरह का देख सकते हैं, और ये अंदर का प्रांगण है। और अभी हम दर्शन करके निकल चुके हैं, और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। मंदिर का व्यू कितना खतरनाक है, अद्भुत मंदिर है। तो अद्भुत करके हम निकल चुके हैं, 8 बज गए, और मंदिर के दरवाजे 8 बजे क्लोज होते हैं। सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 8 बजे बंद हो जाता है। तो बहुत ही अद्भुत मंदिर है हमारे पीछे देख सकते हो। तो गाइस ये ब्लॉग को हम यहीं करते हैं ख़त्म, और चलते हैं घर की ओर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। स्टे ट्यून्ड विद दिस ब्लॉग होटल। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में आपसे।